तो यहां पर कश्यप मुनि दिति को बता रहे हैं कि तुम्हारा जो दो पुत्र होंगे वो तो असुर होंगे, लेकिन जो तुम्हारा एक पौत्र होगा, ग्रैंडसन, वो भगवान का महान भक्त होगा और उसका नाम प्रह्लाद। और प्रह्लाद महाराज की क्या विशेषताएं होंगी, क्या क्वालिटीज होंगी, उसमें क्या गुण होंगे, ये यहां पर जो है आज के श्लोक में बताया गया है। यत् प्रसादात् इदं विश्वं प्रसीदति यत् आत्मकम्। भगवान की कृपा से यत् प्रसादात् यद् आत्मकम्, और क्योंकि भगवान जो हैं ओमनीपोटेंट हैं, सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान भगवान की कृपा से प्रह्लाद महाराज पूरे विश्व को प्रिय रहेंगे। यत् प्रसादात् इदं विश्वं प्रसीदति, ये सारा विश्व जो है उनसे संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। क्यों? सस्वदृग भगवान यस्य, क्योंकि प्रह्लाद महाराज में एक ऐसी अद्भुत विशेषता है, गुण है, जिसके कारण सारा विश्व जो है उनका मैत्री भाव में रहेगा, उनको कोई दुश्मनी के तरीके से नहीं देखेगा। क्या है? सस्वदृग भगवान यस्य, क्योंकि वो भगवान कृष्ण उनकी अनन्य भक्ति में लगे रहेंगे। तोष्यते अनन्य दृशा, बिना डिविएट हुए, बिना अपने रास्ते से विचलित हुए, वो केवल भगवान की अनन्य भक्ति में लगे रहेंगे। मतलब क्या है? देखिए, हम लोगों के इतने दुश्मन होते हैं, है ना, प्रैक्टिकली हमारे खुद के परिवार के लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं, हमारे पड़ोस के लोग, नेबर, वो लोग दुश्मन हो जाते हैं, समाज के लोग दुश्मन हो जाते हैं, देश के लोग भी दुश्मन हो जाते हैं। हम देश की भलाई करना चाहें फिर भी देश के लोग दुश्मन हो जाते हैं। गांधी जी ने अपने देश की भलाई करनी चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग उनके दुश्मन हो गए। अभी हम लोग देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी देश की कुछ भलाई करना चाहते, बहुत सारे लोग दुश्मन हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अनन्य भगवान की भक्ति में लगे रहेंगे तो भगवान की कृपा से, भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा सब लोग हमारे से संतुष्ट रहेंगे। तो अगर हम चाहते हैं कि लोग हमसे संतुष्ट हों, लोग हमें दुश्मन के तरीके से ना देखें, लोग हमारे दुश्मन ना बने, तो केवल भगवान की शुद्ध भक्ति के द्वारा। भगवान का शुद्ध भक्त मात्र ऐसा है जिसके दुश्मन लोग नहीं बनते। तो यहां पर यही उदाहरण जो है प्रह्लाद महाराज का दिया है कि भगवान की कृपा से, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान ऐसी अरेंजमेंट करते हैं कि सारा विश्व भगवान के भक्त से संतुष्ट होता है। ऐसा कैसे होता है?
उसके बारे में प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बताते हैं। भगवान क्योंकि सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, ओमनिसिएंट, ओमनी प्रेजेंट है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं कि हरेक जीव के हृदय में भगवान प्रेजेंट है। कौन से श्लोक है भगवत गीता में, कौन से श्लोक में भगवान बताते हैं हरेक के हृदय में भगवान विराजमान है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, भगवान कहते हैं हरेक जीव के हृदय में, सर्वस्य चाहम हृदि, हृदय के अंदर में भगवान विराजमान है। अगर भगवान मेरे हृदय में भी विराजमान है, आपके हृदय में भी विराजमान है, और क्योंकि भगवान परमात्मा है, मेरे हृदय में परमात्मा और आपके हृदय में परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, वही सेम भगवान है, तो जो मेरे हृदय में बैठा है और जो आपके हृदय में बैठा है, आपके हृदय के अंदर से डिक्टेट कर सकता है, आपको आदेश दे सकता है कि मेरे भक्त, मेरे शुद्ध भक्त से संतुष्ट रहो। भगवान ऐसे कर सकता है। तो ये भगवान की कृपा से मात्र जो है संभव है। एक बड़ा सुंदर उदाहरण चैतन्य चरितामृत में है। हरिदास ठाकुर जो है भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हैं। हरिदास ठाकुर का जन्म एक मुस्लिम घराने में हुआ, लेकिन वो भगवान की अनन्य भक्ति में लगे हुए थे। वो इतने महान भक्त थे कि चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये नामाचार्य है, इसलिए उन्हें नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर भी कहा जाता है। वो भगवान की इतनी अनन्य भक्ति में लगे थे कि डेली रोज जो है भगवान के मिनिमम कम से कम 300,000 बार भगवान के नाम का जप करते थे। यहां तक कि हरिदास ठाकुर को 21 मार्केट प्लेसेस में, मार्केट के अंदर में जो है उनको पीटा गया कि वो भगवान के नाम का जप करना छोड़ दें, दोबारा जो है मुसलमान बन जाएं, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। हरिदास ठाकुर जो है जनरली लोग जो है महान व्यक्तियों के पास में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं, तो भगवान के महान भक्त जो है ऐसे कॉमन लोगों से दूर रहते हैं। तो हरिदास ठाकुर एक जंगल में, एक गुफा के अंदर में भगवान के नाम का जप करते थे। तो घनघोर जंगल था और गुफा है, तो बहुत सारे जंगली जानवर भी रहते हैं। तो कुछ भक्त लोग जो है वहां पर हरिदास ठाकुर को मिलने के लिए आते थे, लेकिन जो भी भक्त लोग वहां पर आते थे ज्यादा देर तक उस गुफा के अंदर में टिक नहीं पाते थे, क्योंकि उस गुफा के अंदर में एक बड़ा जहरीला सांप निवास करता था। वो सांप इतना जहरीला था कि पूरा उस गुफा का वातावरण जहरीला हो चुका था। आप समझ सकते हैं, अगर मान लीजिए जहर जो है उसके अंदर में इतना था कि जब वो सांप सांस लेता था तो वो जहर जो है हवा के अंदर में भी जाता था, तो पूरी गुफा के अंदर में इस प्रकार का जहरीला वातावरण था।
लेकिन हरिदास ठाकुर के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो फिर भी वहां पर जो है भगवान के नाम का जप करते थे। सांप के बारे में बताया जाता है कि सांप एनवियस होता है, ईर्ष्यालु होता है। दो प्रकार के जीव होते हैं ईर्ष्यालु, एक सांप और एक मनुष्य जो ईर्ष्यालु बन जाता है। तो वेदों में बताया गया है कि सांप को तो किसी ना किसी प्रकार से काबू में लाया जा सकता है, लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति को काबू में करना बड़ा मुश्किल है। सांप को जो है मंत्र औषधि के द्वारा, मंत्र के द्वारा काबू में लाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है सांप की तरह, उसको कैसे काबू में लाया जाए। तो सांप को क्यों ईर्ष्यालु बताया जाता है? क्योंकि अगर आप चल रहे हैं, आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन आप चल रहे हैं, लेकिन सांप अगर पास में है तो आपको काट लेगा। आपकी कोई गलती नहीं, आप बस जा रहे हैं, आपने सांप को कुछ नहीं कहा है, लेकिन आपके पास में आएगा, आपको डस करके चला जाएगा। इसलिए सांप को ईर्ष्यालु बताते हैं। विदाउट एनी फॉल्ट इट विल बाइट। आपकी कोई गलती भी नहीं है, फिर भी आपको काटेगा, इसलिए उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। तो ऐसा ईर्ष्यालु सांप, जहरीला सांप उस गुफा में रहता था, और उसी गुफा में हरिदास ठाकुर भी रहते थे। लेकिन देखिए, इतने ईर्ष्यालु सांप के रहने के बावजूद भी कभी भी हरिदास ठाकुर को उन्होंने तंग नहीं किया, लेकिन बाकी लोग तंग होते थे। हरिदास ठाकुर कुछ जो है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी सांप से। उसका जो जहर उग रहा था हवा के अंदर में जहर था, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, और ना वो सांप जो है इनको प्रॉब्लम देता था। लेकिन भक्त लोग जो आते थे वो घबराते थे, जो हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए आते थे, और ज्यादा देर तक वहां पर नहीं रुक सकते थे। एक बार भक्त लोग एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को साथ में लेकर के आए। उस आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कि यहां का वातावरण सही नहीं है, बहुत जहरीला है, ज्यादा देर तक व्यक्ति यहां पर रहेगा दम तोड़ सकता है, क्योंकि उस हवा के अंदर में जहर है। तब इन भक्त लोगों ने जाकर के जो है हरिदास ठाकुर से प्रार्थना की कि हम आपसे मिलने के लिए आते हैं, और इस गुफा के अंदर में जहरीला सांप है, कृपा करके आप इस गुफा को छोड़ दीजिए, आप कहीं और पर वास कीजिए, ताकि हम जो है आपसे मिलने के लिए आसानी से आ सके। तो हरिदास ठाकुर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन क्योंकि उनके भक्तों को प्रॉब्लम थी, उनके डिवोटीज को प्रॉब्लम थी, इसलिए उन्होंने जो है योजना बनाई कि ठीक है, आज सूर्य अस्त होने से पहले मैं इस गुफा को छोड़ दूंगा। तो जब उन्होंने इस प्रकार से योजना बनाई, सभी भक्तों के सामने सांप जो है जहां पर उस गुफा में निवास करता था, गुफा से बाहर निकला और जो है कंप्लीटली इनविजिबल हो गया, वहां से निकल करके चला गया। बाद में वो सांप दोबारा कभी उस गुफा के अंदर में नहीं आया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान जो परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो सांप के हृदय में भी विराजमान है। तो भगवान ने जो है उस सर्प के हृदय में विराजमान होकर के उस सर्प को आदेश दिया, हरिदास ठाकुर यहां से नहीं जाएंगे, तुम जाओ, यू हैव टू गो, यू शुड लीव। और वो सर्प जो है हमेशा के लिए उस गुफा को छोड़कर चला गया। तो एक्चुअली हम लोग देखते हैं कि एक जहरीला ईर्ष्यालु सांप भी जो है भगवान के भक्त की कद्र करता है, क्योंकि भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा, भगवान के कार्यक्रम के द्वारा, क्योंकि उसके हृदय के अंदर में भी भगवान
भगवान विराजमान है। तो हम लोग एक्चुअली समझ सकते हैं कि भगवान का भक्त बनना कितना महत्वपूर्ण है और भगवान की शुद्ध भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। अगर कुछ प्रतिशत लोग भी शत प्रतिशत भी ना हो, कुछ प्रतिशत कुछ परसेंटेज लोग भी अगर जो है भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड जो है, पूरा विश्व जो है प्रकाशमान हो सकता है। तो इसलिए प्रभुपाद कभी कभी उदाहरण दिया करते थे, एक चंद्रमा और एक सूरज काफी है पूरे विश्व को प्रकाशमान करने के। हजारों सैकड़ों तारे हैं, स्टार्स हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। हजार स्टार भी मिलकर के जो है प्रकाश नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चंद्रमा और एक सूरज जो है पूरे विश्व को प्रकाशित कर सकता है। तो भगवान की शुद्ध भक्ति में इतनी ताकत है कि जो लोग एनवियस हैं इस भौतिक संसार में, जो ईर्ष्यालु लोग हैं, वो भी शांत हो जाते हैं, वो भी संतुष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि सारे विश्व के अंदर में शांति हो, लोग भाईचारे के साथ में रहें, विदाउट एनवी रहें, बिना ईर्ष्या के रहें, तो सबसे बढ़िया तरीका है लोगों को भगवान की शुद्ध भक्ति प्रदान करने का। प्रभुपाद और एक बड़ा सुंदर वृतांत बताते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धरती पर आए थे, आज से लगभग 5000 साल पहले, जब भगवान मथुरा, वृंदावन, द्वारका, कुरुक्षेत्र, वहां पर भगवान ने अपनी लीला रचाई, तो भगवान की प्रेजेंस से, भगवान के वहां पर रहने से उनके सारे भक्त संतुष्ट थे। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे थे जो संतुष्ट नहीं थे। कंस, शिशुपाल और बहुत सारे राक्षस थे, अनेकों प्रकार के असुर थे जो कंस के मित्र थे। ये लोग खुश नहीं थे, ये लोग संतुष्ट नहीं थे, ये लोग भी भगवान को शत्रु की नजर से देखते थे। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं, जब भगवान के शुद्ध भक्त 6 गोस्वामी आज से लगभग 500 साल पहले, जब 6 गोस्वामी वृंदावन में वास करते थे, तो सभी लोग संतुष्ट थे। ईर्ष्यालु लोग भी भगवान के इन भक्तों से संतुष्ट थे। तो देखिए आप कितना डिफरेंस है। भगवान स्वयं वृंदावन में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी भगवान के अनेकों शत्रु हैं। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त वृंदावन में मौजूद हैं, वो शत्रु लोग भी भगवान के भक्त के मित्र हैं, वो भी उनको शत्रु के रूप में नहीं देखते थे। और ये शुद्ध भक्त थे भगवान के, ये 6 गोस्वामी। तो एक बड़ा सुंदर जो है प्रभुपाद अपने एक लेक्चर में बताते हैं इसके बारे में, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। तो 6 गोस्वामियों के बारे में हमें पता है, श्रीनिवास आचार्य ने एक बढ़िया षट गोस्वामी अष्टकम लिखा है, बड़ा सुंदर गीत है। उसमें बताते हैं कि ये 6 गोस्वामी जो है
बड़े बड़े मंडलपति थे, उनकी मटेरियल पोजीशन जब थी, बड़े बड़े लोगों के साथ में जो है उनका मेल मिलाव था, एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, मंडलपति। लेकिन लोगों की भलाई के लिए, लोगों को कृष्णा भावनामृत प्रदान करने के लिए, लोगों को कृष्ण प्रेम बांटने के लिए इन छह गोस्वामियों ने अपनी सारी पोजीशंस का त्याग कर दिया। भूत्वा दीन, दीन लोगों के लिए उन्होंने जो है कौपीन वस्त्र धारण किए और उन्होंने अपना समय जो है सारे शास्त्रों को पढ़ने में लगाया। उसके अंदर से भगवान की भक्ति का सार उन्होंने जो है स्थापित करने के लिए नाना शास्त्र विचारने का निपुणौ सद्धर्म संस्थापकौ, सत धर्म की संस्थापना के लिए उन्होंने जो है सारे वेदों के अंदर से सार निकाल करके अनेकों प्रकार की पुस्तकें भगवान की भक्ति के बारे में लिखी। जैसे रूप गोस्वामी ने कौन सी एक बहुत बढ़िया पुस्तक लिखी है जो भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भक्ति रसामृत सिंधु, करेक्ट। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन भी है, उपदेशामृता। तो ये किताबें जो है, इस प्रकार की अनेकों किताबें इन छह गोस्वामियों ने सारे शास्त्रों को पढ़ करके उनमें से सार हमको जो है प्रदान किया है। किसके लिए? हम सबकी भलाई के लिए। तो एक बड़ा उनके बारे में एक बड़ा सुंदर जो श्लोक श्रीनिवास आचार्य कहते हैं, वो कहते हैं कृष्णात कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमामृतांबो निधि धीरा धीर जन प्रिय प्रिय करौ निर्मत सरौ पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भुवौ भारावंतारकौ वंदे रूप सनातनौ रघुयुगौ श्रीजीव गोपालकौ। तो बड़ा सुंदर श्लोक है और प्रभुपाद जी जो इसको बड़ा सुंदर तरीके से समझाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कीर्तन, कृष्णा उत्कीर्तन गान नर्तन परव। उत्कीर्तन का मतलब प्रभुपाद बताते हैं दो प्रकार के कीर्तन होते हैं, एक जो प्रोफेशनल लोग कीर्तन करते हैं, जो पेट भरने के लिए कीर्तन करते हैं, जो दूसरों को दिखाने के लिए कीर्तन करते हैं, उसे प्रोफेशनल कीर्तन बोलते हैं। ये जो कीर्तन है, ये जो छह गोस्वामी जिस कीर्तन में लगे थे वो कोई ऑर्डिनरी कीर्तन नहीं था। उत्कीर्तन, उत्कीर्तन का मतलब होता है दो, उसके दो बढ़िया मीनिंग है, अर्थ है। एक होता है उद्गता तमा, मतलब जो इस भौतिक संसार से परे है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य कीर्तन, ये जो है भगवान के प्रोफेशनल कीर्तन में नहीं लगे थे, ये भगवान के दिव्य कीर्तन में मग्न थे। दूसरा उत्कीर्तन का मतलब होता है लाउडली, केवल अपने लिए नहीं लोगों की भलाई के लिए संकीर्तन उत्कीर्तन जोर से जो है वो कीर्तन करते थे। तो ये छह गोस्वामियों के बारे में जो है बताया गया है। आगे कहते हैं कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन परौ, और कीर्तन के साथ साथ में जो है
कीर्तन गान, कीर्तन का जो है गान करते थे और उसके साथ में जो है मग्न होकर के जो है भगवान के लिए नाचते थे। कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परव। आगे प्रेमामृतम्बो निधि, जो भगवान का प्रेम रूपी सागर है, उनका मन हमेशा जो है भगवान के प्रेम रूपी सागर में डूबा रहता था। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम लोग कीर्तन करते हैं तो हमारा माइंड जो है, हमारा मन हमें भगवान में डुबाना चाहिए, भगवान में लगाना चाहिए, उस कीर्तन के रस में लगाना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम और भगवान उसमें कोई अंतर नहीं है। तो मन के साथ में हमें जो है भगवान के कीर्तन को सुनना चाहिए। तो जिस प्रकार से ये छह गोस्वामी करते थे, जब वो कीर्तन करते थे उनका मन जो है भगवान के प्रेम रस में डूबा रहता था। हम लोग कीर्तन करते हैं, शरीर तो इधर है, मन दूसरी जगह भटकता रहता है, करेक्ट? तो कीर्तन कैसे करना है? भगवान के प्रेम रस में डूब करके कीर्तन करना है। प्रेमामृतम्बो निधि, और आगे बताया है, धीर अधीर जन प्रिय प्रिय करौ निर्मत सरौ पूजितौ। इस प्रकार के कीर्तन में अगर हम लोग लगेंगे, इस प्रकार के अनन्य शुद्ध कीर्तन में अगर हम लोग लगेंगे, तो प्रभुपाद जी कहते हैं, बाय कृष्ण कीर्तन वन कैन बिकम डियर, वेरी डियर, बोथ फॉर द धीरा एंड अधीरा। इस प्रकार के कीर्तन करने से ये छह गोस्वामी जो है धीर लोगों को भी प्रिय थे और अधीर लोगों को भी प्रिय थे, जैसे हमारे धीर कृष्ण प्रभु हैं। धीरा का मतलब होता है सोबर, जो व्यक्ति जो है बड़ा ही देख करके, विचार करके, बुद्धि के द्वारा जो कार्य करता है, सोबर व्यक्ति जिसको बोलते हैं। अधीर का मतलब होता है, सिंगल वर्ड में अगर अधीर का मतलब समझाना है तो प्रभुपाद समझाते हैं रैस्कल, वो बोलते हैं अधीरा, रफियन, जो धीर नहीं होता है, जो उल्टा होता है, जो मन में आता है जो करता है, अधीर उसको बोलते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं धीरा मीन्स सोबर एंड अधीरा मीन्स रैस्कल। सो कृष्णा कीर्तन इज सो नाइस, यू कैन बिकम फेवरेट बोथ फॉर जेंटल एंड द रैस्कल। कृष्णा कीर्तन इतना महान है कि अगर हम उसको सही प्रकार से करें, मन लगा करके अगर भगवान का कीर्तन में लगे, जैसे छह गोस्वामी लगे थे, तो उस प्रकार के कीर्तन के द्वारा धीर लोग और अधीर लोग दोनों को हम प्रिय हो सकते हैं। इट इज सो नाइस, दैट इज एक्चुअली हैपनिंग। सो धीरा अधीर जन प्रिय प्रिय करौ निर्मत सरौ, बिकॉज दोज हु आर चैंटिंग कृष्ण कीर्तन दे आर निर्मत सरौ। जो कृष्ण के कीर्तन में लगे हैं वो निर्मत सरौ है। मत्सरा का मतलब होता है एनवियस, ईर्ष्यालु। निर्मत्सरा का मतलब होता है जिसके हृदय के अंदर में कोई ईर्ष्या नहीं है। भगवान का भक्त जो है, दुश्मन जो उसको समझता है उनके लिए भी भला चाहता है। प्रहलाद को उनका पिता दुश्मन समझता था, लेकिन उनके लिए भी प्रहलाद महाराज जो है भलाई चाहते थे। उनके मरने के उपरांत भी जब भगवान कुछ वर देना चाहते थे तो प्रहलाद महाराज जो है अपने पिताजी के बारे में पूछते हैं। जो जिसका पिताजी
हर एक क्षण ये सोचता था कि किस प्रकार से प्रहलाद से छुटकारा मिले। उनका बेटा उस प्रकार के ईर्ष्यालु पिताजी के बारे में भी जो है उनकी भलाई के बारे में सोचता है, क्योंकि भगवान के भक्त के अंदर में कोई ईर्ष्या नहीं है। कोई उसे दुश्मन समझता हो लेकिन भगवान का भक्त उसे दुश्मन नहीं समझता है। निर्मत्सरा, दे आर नॉट एनवियस। तो प्रभुपाद उसका अर्थ समझाते हैं। निर्मत्सरा का मतलब क्या होता है? एनवियस लोग वो सोचते हैं भक्ति मेरी प्रॉपर्टी है, भक्ति और किसी को नहीं मिलनी चाहिए। डिवोशनल सर्विस में भी, बाकी लोग तो ईर्ष्यालु हैं ही, डिवोशनल सर्विस में भी कुछ लोग एनवियस हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, ये मेरी जागीर है, ये मेरी फैमिली की जागीर है, हम जो है फैमिली से गोस्वामी है, भक्ति बाकी लोगों के लिए नहीं है। उसके बारे में प्रभुपाद बताते हैं। भारत में कुछ लोग ऐसे हैं, जब प्रभुपाद ने कृष्णा भावनामृत को सब जगह पे फैलाया तो लोग इतने ईर्ष्यालु थे कि प्रभुपाद की कृष्णा भावनामृत में बाधा डाल रहे थे। बीइंग एनवियस, वो निर्मत्सरा नहीं होता है। कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट इज नॉट लिमिटेड इन इंडिया, इट इज फॉर द होल वर्ल्ड। वी आर नॉट एनवियस दैट वी वॉन्ट टू सी ओनली इंडियन लर्न इट। हम लोग इतने ईर्ष्यालु नहीं है कि हम लोग सोचे नहीं केवल भारतवासियों के लिए है, या फिर मेरे परिवार के लिए है, मेरे वंश के लिए है, मेरा वंश जो है गोस्वामी वंश है केवल उसके लिए है। नहीं, वो ईर्ष्या है। वी हैव नो सच प्रोग्राम। आगे उस श्लोक में कहा है, त्रिभुवने मन्यौ इट शुड बी ऑनर्ड इन ऑल त्रिभुवना। देखिए श्लोक में बताया भगवान का कीर्तन इतना महान है, वो केवल धरती पर ही नहीं, त्रिभुवने हायर वर्ल्ड, ये मिडिल प्लैनेटरी और नीचे का प्लैनेटरी सिस्टम, उसको बोलते हैं त्रिभुवने। इट शुड बी ऑनर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस इज कृष्णा कीर्तन। तो ये कृष्णा का कीर्तन है। मतलब क्या है? देखिए भगवान की कितनी कृपा है। भगवान स्वयं अपनी लीला से दर्शाते हैं कि मैं जब प्रेजेंट था धरती के ऊपर, फिर भी लोग जो है मेरे से ईर्ष्या करते थे। बहुत सारे लोग थे, कंस था, शिशुपाल था और बहुत सारे राक्षस लोग थे, लेकिन जब भगवान के भक्त लोग थे, छह गोस्वामी लोग थे, तब धीरा अधीर जन प्रिय प्रिय करो। जो धीर थे और अधीर थे वो भी जो है उनके भक्त को प्रिय थे, वो भी उनसे ईर्ष्या नहीं करते थे। तो यहां पर भगवान की जो है ये एक महान जो है अपने भक्तों के प्रति भावना हमें जो है इसमें नजर आती है। भगवद गीता में भी भगवान जो है अर्जुन को दिखाते हैं कि अगर भगवान स्वयं चाहें तो पूरी महाभारत को जो है क्षणों के अंदर में फिनिश कर सकते हैं। भगवान ने अपना विश्व रूप दर्शाया और विश्व रूप के बाद में भगवान ने दर्शाया कि किस प्रकार से जो है जिन लोगों को तुम मारना चाहते हो वो तो ऑलरेडी मर चुके हैं मेरी अरेंजमेंट के द्वारा। निमित्त मात्र भव सव्य साची, तुम केवल निमित्त बन करके ये ग्लोरी प्राप्त करो, मैं चाहता हूं कि ये क्रेडिट तुम्हें मिले। ये इंपॉर्टेंट है। भगवान स्वयं क्रेडिट ना लेकर के अपने भक्त को क्रेडिट देना चाहते हैं। तो इसी प्रकार से हम यहां पर देखते हैं कि यहां पर कश्यप मुनि बता रहे हैं दिति को कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा एक ऐसा ग्रैंडसन पैदा होगा प्रहलाद, जो सबको पूरे विश्व जो है उनसे प्रसन्न होंगे। एवरीबडी विल बी प्लीज्ड विद हिम। क्यों? क्योंकि भगवान जो सबके हृदय में विराजमान है
भगवान की अरेंजमेंट के द्वारा जो है सब लोग उनसे संतुष्ट रहेंगे। तो ये आज हम लोग जो है इसके श्लोक में समझ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम जय। कुछ अनाउंसमेंट है क्या? टुडे वी शुड क्लोज ऑल्सो। वेरी सो मच साउंड डिस्टर्बिंग। शुड क्लोज द डिस्टर्बिंग एंड साउंड शुड बी क्रिएट इट स्लोली। आई एम गिविंग क्लास हियर। हाउ आई विल गिव क्लास हियर करेक्ट ना? The door should be closed and that door also should be closed. Tell them. Should not play so loudly. मोहन गुरु स्वामी 7000 पर सिद्धेश 5000 पर कल्पना और कल्पना माता जी 3100 गोपी वल्लभ 2200 MH Sole 2000 rupees were received. Shrila Prabhupada ki jay. Raghupati Gaurav, Raghupati Gaurav, rupees 1300 rupees. उमेश बुक मैराथन का सब भक्तों से निवेदन है कि अगले संडे तक आप जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी आपके पास में अमाउंट है या किताबें हैं कृपा करके उसे वापस सबमिट कर दें। हरे कृष्ण। और कोई श्रील प्रभुपाद की।